हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि टोनी खान ने AEW कंपनी के WCW कंपनी से कंपैरिजन के ऊपर क्या कहा, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि करंटली AEW कंपनी कौन से सुपरस्टार को एक काफी मेगा पुश के लिए तैयार कर रही है। कीथ लेने भी एक ट्रेडमार्क के लिए फाइल किया है। करंटली AEW कंपनी का एक सुपरस्टार इंजर्ड चल रहा है। और गाइज, नेक्स्ट वीक का डायनामाइट शो ये प्रोबेबली AEW कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डायनामाइट शो साबित हो सकता है। तो वो कैसे और ये बाकी सारे अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कीथ ली की और जानते हैं कि हाल ही में कीथ ली ने किस चीज का ट्रेडमार्क करवा लिया है। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि कोई नाम या फिर कोई लोगो अगर कोई ट्रेडमार्क करता है तो सुपरस्टार या फिर उस कंपनी के अलावा कोई और उस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ऑफिशियली उसकी लीगल राइट्स मिल जाते हैं। और ऐसे ही AEW और WWE कंपनी ने अपने कई सारे ट्रेडमार्क्स करवा लिए हैं और कई सारे रेसलर्स ने भी अपने ट्रेडमार्क्स करवा लिए हैं। और ऐसे ही हाल ही में कीथ ली ने भी अपनी तरफ से एक ट्रेडमार्क के लिए फाइल किया है। और गाइज, ये ट्रेडमार्क किसी नाम का ट्रेडमार्क नहीं बल्कि एक लोगो का ट्रेडमार्क है, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और कीथ ली ने हाल ही में इस लोगो को अपने तरफ से ट्रेडमार्क करवा लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या ये आगे चलते हुए कीथ ली का AEW कंपनी अंदर कोई नया लोगो साबित होता है या फिर कीथ ली ने ये लोगो रेसलिंग के अलावा किसी और चीज के लिए ट्रेडमार्क करवा लिया है। पर होप करते हैं कि आगे चलकर कीथ ली का AEW कंपनी अंदर रेसलिंग करियर एक काफी बढ़िया करियर हो। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि करंटली AEW कंपनी अपनी कंपनी के अंदर कौन सी सुपरस्टार को एक मेगा पुश के लिए तैयार कर रही है। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार के साथ साथ AEW अपने कंपनी के अंदर अपना होम ग्राउंड टैलेंट भी बिल्डअप कर रही है, जिसके एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं डार्बी एलन, MJF या फिर सैमी गेवेरा, जो कि करंटली अब AEW कंपनी के अंदर काफी एस्टैब्लिश स्टार बन चुके हैं। पर ऐसे ही AEW कंपनी अपने नेक्स्ट बिग सुपरस्टार को एक बहुत ही बढ़िया पुश के लिए तैयार कर रही है। और गाइज, सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द जैपनीज फिनोमिनन कोनोस्के तकेत्सा है। और करंटली कोनोस्के तकेत्सा को लेकर बैकस्टेज से रिपोर्ट सामने आ रही है कि शायद AEW कंपनी कोनोस्के तकेत्सा को अपने शोज के ऊपर एक काफी मेगा पुश के लिए तैयार कर रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि शायद कोनोस्के तकेत्सा के आने वाले दिनों के अंदर काफी बढ़िया दिन आने वाले है। तो देखना पड़ेगा कि जब AEW कंपनी कोनोस्के तकेत्सा को इतना बड़ा पुश देती है तो क्या वो अपने लैंग्वेज बैरियर के चलते AEW कंपनी के अंदर एक टॉप स्टार बन पाते हैं या नहीं। पर मुझे लगता है कि अगर कोनोस्के तकेत्सा और दिनों तक AEW कंपनी अंदर रहते हैं तो लैंग्वेज बैरियर को भी पार कर एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं। तो इसीलिए कोनोस्के तकेत्सा को गुड लक विश कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि गाइस, करंटली AEW कंपनी का कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड होने के बावजूद AEW कंपनी के शोज के ऊपर काम कर रहा है। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि इंजर्ड होने के बावजूद AEW कंपनी के शोज के ऊपर आकर रसल करते हैं, जिसके एग्जांपल्स हमने कई सारे सुपरस्टार्स को देखा है, जैसे कि यंग बक्स, केनी ओमेगा, जॉन मॉक्सली या फिर क्रिस जेरिको। लेकिन गाइज, ऐसे ही करंटली एक सुपरस्टार AEW कंपनी के शोज के ऊपर इंजर्ड होने के बावजूद रसल कर रहा है। और गाइज, ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि FTR के 1/2 यानी कि डैक्स हारूड है। और गाइज, अगर आपने कुछ दिनों पहले AEW कंपनी के शोज के ऊपर FTR का एक सेगमेंट देखा होगा तो आपको पता होगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर्यू के बाद FTR की हालत काफी खराब थी। और अपने सेगमेंट के अंदर बात करते हुए FTR ने कहा था कि वो अपने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स तो हार गए हैं और उनकी बॉडी काफी दर्द कर रही है, पर इसके बावजूद भी वो रसल करने वाले हैं। और ये कहते हुए इसके बाद FTR ने ट्रिपल ए लुचा लिब्रे कंपनी के ट्रिपल मेनिया इवेंट के ऊपर जाकर रसल किया था, जहां पर अपने ट्रिपल ए मेगा टैग टीम चैंपियनशिप्स हार गए हैं। और इस सब के बाद करंटली ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि FTR के डैक्स अरूड रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर्यू के ऊपर ही इंजर्ड हुए थे। और इंजर्ड होने के बावजूद डैक्स अरूड ने ट्रिपल ए लुचा लिब्रे कंपनी के शोज के ऊपर जाकर रसल किया, जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें रसल करने के लिए क्लियर भी नहीं किया था। और इसी वजह से करंटली डैक्स हारूड की AEW कंपनी के अंदर स्टेटस काफी खराब चल रही है। और हाल ही में डैक्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया, जहां पर आप देख सकते हैं कि उनकी टेल बोन की इंजरी इतनी वर्स हुई है कि उनके कमर पर भी दिखाई दे रहा है। और इतनी हॉरिफाइंग इंजरी देखकर तो मुझे लग रहा है कि शायद डैक्स हारूड को अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए थोड़ा और टाइम लग सकता है। लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि डैक्स की इंजरी और भी ज्यादा वर्स ना हो, क्योंकि डैक्स FTR के ऐसे रेसलर है जो कि टैग टीम के साथ साथ सिंगल्स मैचेस बहुत ही बढ़िया देते हैं। और करंटली AEW कंपनी को भी ऑल हैंड्स ऑन डेक की पोजीशन के ऊपर रहना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि डैक्स को यहाँ पर रिकवरी करने के लिए काफी टाइम लगे। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि डैक्स की इस इंजरी के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि टोनी खान ने AEW कंपनी के WCW कंपनी के साथ कंपैरिजन के ऊपर क्या कहा।
तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से AEW कंपनी बनी है तब से कई सारे लोग AEW कंपनी को WCW कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फैंस का कहना है कि AEW कंपनी WCW कंपनी की तरह ही WWE कंपनी के खिलाफ हार जाएगी। और जब टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान को इसी टॉपिक के ऊपर सवाल पूछे गए कि AEW कंपनी और WCW कंपनी इनके बीच में चल रहे कंपैरिजन के ऊपर टोनी खान का क्या कहना है, तो गाइज यहां पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि AEW कंपनी और WCW कंपनी ये दोनों ही डिफरेंट फॉर्मेट के ऊपर काम करती है। WCW कंपनी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी थी और WCW कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की डायरेक्शन डिसाइड करते थे और इसीलिए उस कंपनी के अंदर कई सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए और फाइनली अपने आप के बीच में चल रहे डिस्प्यूट के चलते WCW कंपनी आउट ऑफ बिजनेस चली गई। लेकिन AEW कंपनी एक फैमिली बिजनेस है और AEW कंपनी अंदर सभी चीजें वैसे ही होती है जैसे कि टोनी खान चाहते है और यहाँ पर उन्हें अपोज करने के लिए कोई नहीं है और ये टोनी खान का फैमिली बिजनेस है, इसीलिए कभी AEW कंपनी WCW कंपनी की तरह आउट ऑफ बिजनेस नहीं जाएगी। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही जिससे कि गाइज हम समझ सकते हैं कि टोनी खान फैंस के AEW कंपनी को WCW कंपनी के साथ कंपेयर करने के ऊपर थोड़ी फार नाराज है। और गाइज मुझे लगता है कि टोनी खान की नाराजगी बिल्कुल वैलिड है क्योंकि AEW कंपनी और WCW कंपनी दोनों अलग फॉर्मेट के ऊपर काम करती है और इसलिए सच में मुझे नहीं लगता कि कभी AEW कंपनी WCW कंपनी की तरह इंटरनल डिस्प्यूट के चलते बंद हो जाएगी। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज वो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट डायनामाइट शो किस तरीके साबित हो सकता है। तो गाइज अगर आपको जरा भी नहीं पता कि इस वीक के डायनामाइट शो को लेकर AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और काफी ज्यादा नर्वसनेस का माहौल क्यों है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी का रेगुलर डायनामाइट शो ही है। लेकिन इसके साथ इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी किस तरीके से काम करती है और AEW कंपनी का टेलीविजन शो किस तरीके से वर्क होता है और कंपनी की ओवरऑल हालत कैसी है और कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है, ये सब चीजें मॉनिटर करने के लिए वार्नर मीडिया से एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स AEW कंपनी को मॉनिटर करने के लिए आने वाले हैं। और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पूरा का पूरा शो चलने के दौरान वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स AEW कंपनी के बैकस्टेज में रहने वाले हैं और AEW कंपनी की टीवी डील वार्नर मीडिया के साथ ही है, इसलिए टोनी खान वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को खुश करने के लिए अपने तरफ से इस वीक एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो बिल्ड करना चाहते हैं और इसलिए टोनी खान इस वीक के डायनामाइट शो को एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो बनाने के लिए अपने तरफ से हर एक पॉसिबल चीज कर रहे हैं जिससे कि वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव्स खुश हो जाए और आगे भी AEW कंपनी और वार्नर मीडिया की टीवी डील कंटिन्यू हो सके। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव्स को खुश करने के चक्कर में टोनी खान इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं और इससे हम सब फैंस का कितना फायदा होता है, पर इसलिए इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के शो के ऊपर क्या क्या होता है। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?